नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगल। अभी हम आए हैं नेपाल में। नेपाल के बारे में आपको बहुत कुछ बताना है और इंडिया से हम कंपेयर करते हुए भी देखेंगे कि इंडिया का जो बेस्ट फ्रेंड है नेपाल, इसमें क्या हाल है और इंडिया से कितना ज़्यादा सिमिलर है, क्योंकि यहाँ पर आने पर रास्तों में पता ही नहीं चला कि हम कब इंडिया से आकर नेपाल में इंटर कर चुके हैं। फिलहाल अभी हम आए हैं बाइक से, तो बाइक में हमें चाहिए था फ्यूल ताकि हम पूरे नेपाल में घूम सकें। अब जब आए हैं यहाँ पर पेट्रोल लेने, तो पेट्रोल के भाव पर हमारा नज़र गया, तो यहाँ पर काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले में। अब यहाँ के पेट्रोल पंप में जो फ्यूल फिल कर रहे हैं, उन्हीं से पूछते हैं कि यहाँ पे पूरा कितना रुपए का अंतर है इंडिया और नेपाल के बीच में। तो यहाँ पर कितने रुपए लीटर है नेपाल में? नेपाल में नेपाली रुपीज़ हो गया आपका 134.50, जो कि इंडियन हो गया 81-84 रुपीज़ के आसपास आ गया। इंडियन पैसा, इंडियन करेंसी 84 रुपीज़ के आसपास। इंडिया से इतना ज़्यादा सस्ता यहाँ पर कैसे हो गया है? देखिए, एक्चुअली क्या है, आता है तो इंडिया से ही है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे टैक्स है, सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ होता है, कुछ स्टेट गवर्नमेंट का होता है, कुछ उनका आपस भी होता है। लेकिन नेपाल में क्या है, सिंगल है, यहाँ पे एक ही टैक्स है। स्टेट का या फिर सेंट्रल का? नहीं, यहाँ पे सेंट्रल का ही है सब कुछ, स्टेट का इंटरफेयर कुछ नहीं है इसमें। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल का है और काफी कम हो गया इस वजह से। कम है, और यहाँ पे भी वैसे नेपाल ऑयल कॉर्पोरेशन भी बहुत ज्यादा लॉस में है। यहाँ पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस है कुछ, वो लोग भी बहुत बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन फिलहाल अभी भी एक हफ्ता पहले 6 रुपया बढ़ा था, तो बहुत आंदोलन तरफ विरोध हुआ है उसके लिए। लेकिन फिर भी अभी भी यहाँ पे बहुत सस्ता है इंडिया के मुकाबले में, तो काफी ज्यादा सस्ता है। ऑलमोस्ट 20-25 रुपए पेट्रोल में आपका बहुत सस्ता है। चलिए, यहाँ पर हम जान लिए कि इंडिया और नेपाल के बीच में जो पेट्रोल का कम होना है, जो नेपाल में काफ़ी कम है, इंडिया में ज़्यादा है, जबकि इंडिया से ही आता है इधर। और दोनों के बीच में इतना डिफरेंस क्यों है? क्योंकि टैक्सेस इंडिया में ज़्यादा हैं और नेपाल में कम है, क्योंकि सिर्फ सेंटर का होता है। यहाँ भी कुछ चल रहा है पेट्रोल को लेकर आंदोलन, ये तो हमें यहाँ के स्टाफ से पता चला। बाकी चीज़ें आपको नेपाल के बारे में आगे हम फिर बताते रहेंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, अभी चलते हैं। धन्यवाद।